सर, जैसे हम एक गायों को नई कराते हैं तो ये मतलब कितने टाइम करानी चाहिए? जैसे कई बार ये रिपीट होती है, हर 20 दिन बाद ही वो करना पड़ता है, तो क्या वो बार बार कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, सही ये रहता है? इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जब ये जैसे जर्सी की गाय है तो ये जब करीब आपका 8-9 महीने की बात है तभी से हीट में आना शुरू हो जाती है, पर ये जब 200 किलो के करीब जब हो जाए तब इसको मदर जावर करा देती है। जो जैसे आप पहली बार करा रहे हैं तो पहली बार जो 1-2 बार हीट में आए तो ऐसे निकल जाने दीजिए, पहली बार कराएंगे तो उसमें ये ग्यामन नहीं रहेगी, और जब 2-3 बार हीट में आ लेगी तो फिर उसके बाद ये ग्यामन हो जाएगी। तो एक बात तो ये है कि आपको जो बछिया है उसको पहली बार निकाल के, फिर दूसरी बात ये है कि आपकी गाय जैसे ब्याह गई, ब्याहने के बाद उसको कितने दिन पे मतलब हरा कराना चाहिए। वो मतलब ये है कि वो गाय जिस वक्त इस साल ब्याई है, मान लीजिए इस साल वो नवंबर में ब्याई तो अगले साल भी वो नवंबर में आए, यानी कि मतलब ये है गाय का गर्भावस्था जो होती है 9 महीने की होती है, तो 3 महीने के अंदर 100 दिन के अंदर उसको ग्यावन हो जाना चाहिए। ठीक उसके सर। लिए क्या है कि अगर बच्चेदानी पक गई है या उसमें कोई जेर रुक गई है तो उसका इलाज करवाइए। और एक इंजेक्शन आता है ल्यूटालाइज, ल्यूटालाइज मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, आप ब्याने के 10 दिन बाद उसे लगा देंगे तो गाय जो है वो बराबर हीट में आने लगेगी, और आप उसको क्या कहते हैं 2 महीने के अंदर उसको ग्यावन करा दिए। इसमें भी वही बात है कि पहली बार नहीं कराना, कि पहली बार दूसरी बार हीट निकल जाए तब आप उसको वो कराइए। इसमें ऐसा होता है बहुत से लोग जो है नहीं कराते हैं, वो कहते हैं जैसे देसी गाय है वो या भैंस है वो ग्यावन कराने से दूध सूख जाती है, इन गायों पे कोई असर नहीं पड़ता है। इनमें ऐसा ही है, हर 20 दिन पे हीट में आएगी और हर 20 दिन पे दूध कम करेगी, तो इसको ग्यावन करा देना चाहिए। जहाँ आपका 1-1.5 महीना हो जाए उसे ग्यावन करा दें, तो ग्यावन टी में लात मारेगी, दूध कम देगी, तो वो शुरुआत होती है गर्मी की। फिर वो पीछे से जब अपनी योनि में से जब मैला गिराने लगे वो ग्लास की तरह सफेद होना चाहिए, और जब वो प्रचुर मात्रा में गिरने लगे तो आप उसको इंसेमिनेशन अपने पशुचिकित्सक से करा दें। कितने घंटे के अंदर मतलब हीट का वो और रहता है कि अगर कितने? सुबह उसने किया है तो शाम को कर दिए, शाम को किया है तो सुबह कर दिए, लेकिन कितने घंटे का तो ऐसा है कि आपको उस समय करना चाहिए जब क्या ठंडा हो थोड़ा, और उस वक्त दाना पानी भी उसे कम दीजिए, मतलब दाना कम दीजिए, इससे गर्मी वो न माने वैसे ही वो कम खाएगी, तो वो उसे बीज डाल दे। अब बीज का ऐसा है कि उसमें 1/4 ml बीज जाता है, 1/4 ml मतलब 4 बूंद के करीब वो होता है, और उसमें 20 लाख से लेके 200 लाख से लेके 150 लाख तक जीवाणु होते हैं, उनमें से एक ही बस वो जो है वो करता है। जैसे ही बीज डालेगा वो जीवाणु जो है बच्चेदानी के मुंह के पास बहुत सारे बेल होते हैं उनमें जाके रुक जाएगा, और फिर वहां से जो खराब खराब होंगे उनको निकाल दे, फिर वो आगे चलेंगे सारे जीवाणु, फिर वो बच्चेदानी में उनकी फिर छटाई होती है, फिर वो अंदर की तरफ जाते हैं, सब 3-4 जगह उसकी छटाई होती है, फिर लास्ट में एक ही जो है वो उस वो बच्चे बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो ऐसा ही सोच लिए जैसे इंटरव्यू में कई हजार आदमी जा रहे हैं एक ही समय, तो ये कहना कैसा वो उसने वो गिरा दिया ये गिरा दिया उससे कुछ नहीं होता है। और वो जो आपने बीज डाल दिया वो 150 या 200 लाख बीज उसमें पड़े हुए हैं मतलब, तो वो बड़ी तीव्र गति से अंदर की तरफ जाके और वहाँ बिल से होते हैं, जो जो उसका द्वार है उसके पास बिल होते हैं उसमें घुस जाते हैं, और वहाँ पे उनका क्या कहते हैं वो पकते हैं वहाँ पे और फिर वो आगे चले जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अगर अगर हम अंडे को और
उसके जो उसके स्पर्म को या उसके शुक्राणु को प्रकृति में डाल दें तो वो वहां पे नहीं होगा, उसमें केमिकल डालने पड़ते हैं उसको, प्रकृति टिश्यू करते हैं, तो वो वहां पे पकते हैं। फिर वो पकने के बाद वो गर्भाधान के लिए तैयार होते हैं। तो आपने क्या पूछा था, आपने तत्व नहीं है। अब ऐसा है, अब एक रिसेप्टल का इंजेक्शन है, उसमें GnRH होता है, वो अंडा निकाल देता है, आप उसे जैसे ही लगाएंगे अंडा निकल जाएगा। तो आपने यही कराई, उसके बाद उसे लगा दिया, तो सुबह शाम का भी चक्कर नहीं, आपने उसको लगा दिया अंडा निकल जाएगा। अब अंडे का जो जीवन काल है वो 24 घंटे होता है, और जो बीज है वो 72 घंटे। तो ये दोबारा कराना तिवारा कराना इसका कोई ऐसा औचित्य नहीं है, ऐसा नहीं। अभी जैसे वो बच्चे पैदा करने वाला बीज है, और वो तो 1,000 से 3,000 रुपये का तक आता है, तो आप 2 बार थोड़ी कराएंगे, उससे 3 बार थोड़ी कराएंगे, 1 बार काफ़ी होता है। आप रिसेप्टल का इंजेक्शन लगा दीजिए, मतलब वो मिलता है बाजार में, अपने पास रखिए, 3-4 गाय हैं तो आप लगा दीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।